अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। मेरा नाम आतिफ और आप देख रहे हैं आतिफ लाइफ स्टाइल। चूँकि मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ तो मैं आज कुछ चीज़ों से पैसे पर्दा हटाने लगा हूँ। जैसे कि रिसर्च के नाम पे हम कितना धोखा देते हैं, टीचर्स किस तरीके से स्टूडेंट्स के टाइम को, उनकी एफर्ट्स को, उनकी पैसे को वेस्ट करती है, और फिर एट दी एंड जो है उनकी जो सक्सेस अगर किसी स्टूडेंट की किसी भी वजह से हो जाती है तो उस पर खुद को वेल्डन देते हैं कि जी देखें जी ये मेरी वजह से हुआ है, जबकि ऐसा सजेस्ट कुछ भी नहीं होता। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो प्लीज़ समझने कि अगर आप अपने टीचर्स की टीसियाँ करनी शुरू कर देंगे कि जी मैं अपने टीचर की टेक केयर कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मेरा टीचर जो है मुझे अच्छे ग्रेड्स दे देगा, नो मैटर, आपको अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे। बट आप इसकी वजह से देख रहे हैं कि आप एक कितना गलत कल्चर डेवलप करते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आने वाली नस्लों पर क्या होगा? लेट्स से कि आपका बेटा जो है वो थोड़ा सा ऑनेस्ट है और वो इन टीसी कल्चर में नहीं अपने आप को सूटेबल समझता, आपकी बेटी है वो टीसी कल्चर को सही नहीं समझती, और कल को आपने इस कल्चर को प्रमोट किया और आपके बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, और फिर वो आपको आप कहते हैं बेटा तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं आए, मेरे तो बड़े अच्छे ग्रेड्स आते थे। तो वो आपको कहेंगे बाबा मुझे नहीं पता आपके अच्छे ग्रेड्स कैसे आते हैं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमारा टीचर जो है ना वो जो भी टेक केयर कर रहा होता है टीचर्स की उसको अच्छे नंबर दे देते हैं और जो नहीं कर रहा होता उसको नहीं देते। नंबर 3 के ऊपर आप प्लीज़ टीचर्स जितने भी टीचर्स हैं वो इस चीज़ को डिस्करेज करें कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपकी टीसी करता है, यू नो व्हाट इज इट मीन बाय टीसी, तो आपको प्लीज़ इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप लोगों ने टीसियां नहीं करनी और टीसियां करवानी भी नहीं है, क्योंकि आप इसी गलत कल्चर को प्रमोट करते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आज आप देख लें, हम अपनी किसी भी डोमेन के अंदर ठीक नहीं है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इल्म की तशहीर करनी है, आपने लोगों को बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, आपने लोगों को आगे लेके चलना है, आप इस कौम के बनाने वाले हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका क्या मतलब है, आप क्या सिर्फ एक पेचक के लिए जाते हैं? और खास तौर पे वो तमाम टीचर्स जो रिसर्च के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मेरी उनसे खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि हमें बेवकूफ बनाना छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त एमफिल की क्लास में हूँ, वहां पे हमारे एक टीचर है, आई विल नॉट नेम हिम, वो हर क्लास में आते हैं एंड ये कोर्स वर्क है। कोर्स वर्क का मतलब HEC की गाइडलाइन में दिया हुआ है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करवाना। वो आते हैं हर कोर्स वर्क की क्लास के अंदर और एक्सप्लेन क्या कर रहे होते हैं कि ये रिसर्च पेपर आपको मैं दे रहा हूँ, आप इस रिसर्च पेपर को स्टडी कर लें, आप इस रिसर्च पेपर की कोई समरी बना लें। और अभी उन्होंने हमें, आई एम अ जॉब होल्डर, ठीक है मैं डेली स्कॉलर नहीं हूँ, आप एज अ जॉब होल्डर वो हम लोगों को कहते हैं कि जी आप रिसर्च आर्टिकल लिखें। रिसर्च आर्टिकल राइटिंग इज अ पेन टेकिंग वर्क। आप मुझे एज अ टीचर बता दें कि कितने टीचर्स जो हैं वो रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, अपने गिरेबानों में भी तो झांके ना, आप लोग अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते, झांकें आपको पता चले कि आपने कितने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं। जो आप जॉब होल्डर्स को कह रहे हैं कि जी रिसर्च आर्टिकल्स लिखें, वो जब उन्होंने थीसिस करना है, वो जब उसका टाइम आएगा, उनके पास वो जो कोर्स आवर्स हैं अब वो कन्वर्ट हो गए थीसिस आवर्स के अंदर, अब वो उस टाइम पर करेंगे ये वाला रिसर्च वाला काम। आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही, आप कोर्स वर्क के अंदर ही रिसर्च आर्टिकल लिख दें, एब्स्ट्रैक्ट्स लिख दें, इंट्रोडक्शन लिखें, चैप्टराइजेशन कर लें, रिसर्च के अंदर मेंडले यूज कर लें, स्मार्ट कैलकुलस यूज कर लें, फॉर गॉड सेक। ये क्लासेस जो हैं अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हैं तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही इन चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च की वर्कशॉप होती है उनमें इन चीजों को डिस्कस करने की जरूरत है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजारना होता है, आपको पता होता है कि मैं सिर्फ जाऊंगा टाइम गुजारूंगा रिसर्च आर्टिकल्स दूंगा, इस तरीके से मेरी जान छुट जाएगी। दूसरे नंबर पे आपकी कोर्स आउटलाइन नहीं देते, तीसरे नंबर पे और एट द एंड आप कहते हैं कि जी हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने इतने रिसर्च आर्टिकल्स दिए, शेम ऑन यू फॉर सेइंग दैट। आपने उन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट किया, आपने उन स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज को वेस्ट किया, पैसे को जाया किया। एट द एंड मैं एज अ जॉब होल्डर जब जाता हूँ अपनी कंपनी के अंदर, समवन आस्क मी कि आपकी स्पेशलाइजेशन थी इस चीज के अंदर, आपने क्या सीखा, मैं कहूंगा मैंने रिसर्च आर्टिकल्स राइटिंग सीखी है। आई एम सॉरी, That's not acceptable। बाहर के मुल्कों के अंदर हमारे ही यहाँ के लोग जाते हैं, जाके वहां पे पढ़ते हैं, वो हमें बताते हैं यार हम लोगों को पढ़ पढ़ के निस्त बच जाता है। और क्यों बच जाता है निस्त, वो इस वजह से लग जाता है क्योंकि they've been studying। वो कहते हैं हमें उन्होंने इतना इतना कुछ पढ़ने को दिया होता है, हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या देते हैं, रिसर्च आर्टिकल देते हैं, वो भी 2008 का, मैं 2022 में बैठा हूँ, 2008 का 2006 का मुझे रिसर्च आर्टिकल देने हैं। भाई मतलब हम लोग इतने पीछे हैं कि 2008 से लेकर 2022 तक किसी एक टॉपिक के अंदर कोई रिसर्च ही नहीं हुई। That's so amazing। पाकिस्तान में हो क्या रहे यार, आप थोड़ा सा तो फोकस करो यार, आप लोग कर क्या रहे हो, यू आर डिस्ट्रॉइंग generations। आई एम सो सॉरी, मेरा पाकिस्तानी एजुकेशन से बिल्कुल एतमाद उठ चुका है, बिल्कुल एतमाद उठ चुका है। मैं उन तमाम टीचर्स को स्पेसिफिकली
कैटेगोरिकली वो मेरे टीचर्स भी हैं, मैं कहता हूँ कि यू आर जस्ट अ प्रोफेशनल और एज अ प्रोफेशनल आप अपने शोबे के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे, यू आर लाइंग अबाउट एवरीथिंग। आपको लगता है कि कंपनीज जो है रिसर्च करवाती हैं, कुछ कंपनीज के अंदर अगर रिसर्च का कल्चर है तो वो रिसर्च कुछ और पैरामीटर्स पे करवाती हैं, दे हायर द कंसल्टेंट्स, दे हायर सम अदर पीपल। वो आम एक रेगुलर प्रोफेशनल को नहीं कहते कि जी आप रिसर्च कर लें, आप कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है हमारी प्रैक्टिकल उसके अंदर वर्किंग के अंदर और इतने थ्योरेटिकल वर्किंग के अंदर कि मैं हैरान हूं। आप प्लीज फॉर गॉड सेक अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करें, आप प्लीज फॉर गॉड सेक ठीक हो जाए, आपके ठीक होने से ये मुल्क ठीक होगा, क्योंकि आपके पास से उन्होंने गुजर के आगे इंडस्ट्रीज के अंदर पहुंचना है, आपके पास से गुजर के उन्होंने कल को मार्केट में आना है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से अदा कर लें, फॉर गॉड सेक प्लीज। इस कौम के ऊपर आपका एहसान होगा कि अगर आप इनके ऊपर, अगर आप ये एहसान नहीं कर सकते तो छोड़ दें इस काम। हमें पता हो कि यार हम लोगों के पास जो है वो कम लोग हैं, हम बाहर से बुला लेंगे जो हमें शायद सही तरीके से पढ़ा लें, हम लोगों को तरक्की की राह पे डाल दें, लेकिन आप प्लीज छोड़ दें इस पेशे को। आपका इस पेशे के अंदर कोई काम नहीं है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10 जगह पे विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे जाके टीचिंग करनी है और टीचिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने कहानियां सुनानी है। 3-3 घंटे की क्लासेस के अंदर मैं बैठा होता हूँ, टीचर जो है वो हाफ ऑफ द टाइम पढ़ाता कुछ नहीं है, आधे घंटे में उसने लेक्चर डिलीवर करना होता है और बाकी एक घंटे के अंदर कह रहा था ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ लो, ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ लो, और पढ़ाता भी कुछ नहीं है यार। तो प्लीज इस मुल्क के ऊपर वो एहसान कर दें, प्लीज एहसान कर दें, आपको खुदा का वास्ता है, बस कर दें। इस जनरेशन के मुस्तकबिल से खेलना बंद कर दें। मैं यूथ में आता हूँ और उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज आप हम लोगों के ऊपर एहसान करें, हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं कोई एडिटिंग नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो एज इज। तो ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, इट्स अ कैथारसिस दैट आई एम डूइंग, प्लीज। और जितनी भी मैनेजमेंट है अपने बंदों को सपोर्ट करना छोड़ दें, अपने सिस्टम्स को मजबूत बनाएं ताकि कोई भी बंदा सिस्टम के थ्रू आपके पास पहुंचे तो उस बंदे की सुन ली जाए। आप लोग कहते हैं जी 20 साल से एक बंदा हमारे साथ है और वो सीट पढ़ा नहीं रहा, सही काम नहीं कर रहा, आप उसको भी सपोर्ट किए जाते हैं। मैनेजमेंट को पता नहीं क्या हो गया। और HEC के अंदर मेरी पिछले 3 महीने से एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है, HEC का तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेशन के लिए रह गई है, कोई पॉलिसी मेकिंग के लिए रह गई, और पॉलिसी मेकिंग भी इनसे प्रॉपर नहीं होती कुछ काम। मतलब यार हमारे मुल्क के अंदर इदारों का हो क्या गया, मुझे तो यही नहीं समझ आता। मतलब आप लोग बेहतरी की तरफ जाते हैं, इदारे बेहतरी की तरफ जाते हैं, हम पस्ती की तरफ जाए जा रहे हैं, दिन ब दिन पस्ती की तरफ जाए जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि यार आप लोग जो है ना, मैं कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन आप लोगों को प्लीज समझ जाना चाहिए HEC को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट को, जितने भी टीचर्स हैं उनको और तमाम स्टूडेंट्स को। HEC को चाहिए कि वो समझ जाए कि भाई हम लोगों ने वो पॉलिसी मेकिंग करनी है जिससे हमारे यहाँ से एक क्रीम बने, इंटेलिजेंट एजुकेटेड रिच इन देयर थिंकिंग पीपल पैदा हो। आप कहीं ना कहीं से पॉलिसी के एस्पेक्ट्स कॉपी करके उसको डाल देते हैं, आपके भी डॉक्टर्स ऐसे ही हैं, प्लेजरिज्म खत्म अगर ना आता उन्हें, उनके पास कोई थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर भी वही बंदे आके बैठे हुए हैं, चाइना से डिग्रियां करके आके बैठ गए हैं, उन्हें लगता है कि जी हम सब कुछ कर लेते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई, आप लोगों के अंदर कोई इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ना छोड़ दें। तीसरे नंबर पे जितने भी टीचर्स हैं ना, प्लीज अपने प्रोफेशन को ऑनेस्टी के साथ कंटिन्यू करें, अपने प्रोफेशन के साथ धोखा ना दें, स्टूडेंट्स को धोखा ना दें। और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज यार एफर्ट कर लो सही तरीके से, ये टीसियां छोड़ दो, खुदा का वास्ता तुम्हें ये टीसियां छोड़ दो। तुम लोगों को टीसियां करके मिलता क्या है यार, गुड ग्रेड्स मिल जाते हैं, तुम जनरेशन तबाह कर रहे हो यार एज अ टीसी करने वाले स्टूडेंट के तौर पर, बस कर दो। और जितने भी ये नॉन फैकल्टी स्टाफ है ना, आप भी समझें कि आप स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, फीस जमा करवाने के लिए जाओ तो वहां पे बंदा नहीं बैठा होता, रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए 10-10 टिकट लगाने पड़ते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से मिलना हो तो वो बंदा बैठा ही नहीं होता, मीटिंग में बैठा होता। केड़ी मीटिंग होती पई है, जो इन्नी मीटिंग होती पई है तो तुम इंज करो कि उत्थे कोई क्लर्क बिठा दो, तुहानू दस दे कि जी फलां बंदा आया सी। मतलब यार मुझे ना अफसोस है पाकिस्तानी एजुकेशन के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी कुछ नहीं करना, सूबाई मिनिस्ट्री ने भी कुछ नहीं करना एजुकेशन की, वफाकी तो कुछ भी नहीं करेगी, और एट द एंड जो है ना वो हमारा यहाँ से ब्रेन ड्रेन होगा, हम लोग यहाँ से पैक करेंगे और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे दूसरे मुल्क के अंदर, एट द एंड यही होना है। इतनी डिससेटिस्फेक्शन इस वक्त हो रही है मुझे इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, बस करो बाहर आ जाओ, दैट्स द ओनली वर्ड आई हैव फॉर यू।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासिर है।